Yetersin'de giyiyor. Açı müstakbül bedelaş bir hayat. Bir kızın da giyiyor. Müstakbül kıyasını giyin. Kım okuyor. Mere dil mein to tum ho. Sirf dil mein hi rakhoge ya ghar mein bhi phasaoge? मैं वाकई आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये कब और कैसे हुआ इसका तो मुझे भी पता नहीं चला। मोहब्बत और ईगो के दरमियान मेरे लिए ईगो ज्यादा अहमियत रखता है। ग्रैंडमा और आंटी, आंटी और ग्रैंडमा, हो सकता है इन लोगों के आने से डैड का बिहेवियर मेरे साथ बेहतर हो जाए। फखरे, फखरे, बोल बेटा, ये वही शारिक है। वही शारिक है जिसके बारे में तू कहता था वो तेरा बड़ा ख्याल करता है, हमें याद करता है। ये वही शारिक है फखरी। वो तो हमें पहचानता भी नहीं है। मेरे ख्वाबों की ताबीर इतनी भयानक बनके मेरे सामने आएगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सलीमा, आपको बताकर आपको परेशान करने से ना ये मसला तो हल नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे छुपाता था। मुझे मालूम था कि कोई फायदा नहीं होगा, आपको तकलीफ ही होगी। मैंने तो 20 साल तेरी तरबियत की फखरी, सब भूल गया तू? आप मेरी मां थी, उसकी मां नहीं थी। मां तुम्हें पता नहीं है, जब वो पैदा हुआ था थोड़ी दिनों के बाद ना, मैं तो उस वक्त सही तरह से पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ था। बामुश्किल मेरी तनख्वाह 400-500 पाउंड थी। दिन मैं इसको संभालता था और रात में नौकरी करता था। मैंने इसको माँ और बाप बन के पालने की कोशिश की, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर जब लड़ाई बड़ा हो गया तो फिर मैंने बिजनेस को, कारोबार को संभालने की कोशिश की। अब या मैं कारोबार को, बिजनेस को संभाल लेता या बच्चों को संभालता, मैं क्या करता मां, क्या करता? फखरी, कारोबार तो मुलाजिम भी संभाल लेते। अगर तू सख्ती करता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। क्या हुआ था तुझे? तेरी समझ तेरी बीवी के साथ ही मर गई थी क्या? समझ मां, मैंने अपनी समझ के एतबार से जो कुछ सही समझा वही किया। ये बात अलग है कि नतीजा बिल्कुल उल्टा ही निकला। लगता है जैसे तख्ती जो है वो सारे मेरे किए कराए पर पानी फेर के मेरा पर्सा खुला रही है। और आप जो सख्ती की बात कर रही हैं मां, तो ये पाकिस्तान नहीं है। यहां पर अगर जवान बच्चों को कुछ कहो सुना ना, तो टेलीफोन करके ना
माँ बाप को पुलिस के हवाले कर सकते हैं। चल चलो वापस चल बेटा, वापस चल, छोड़ दे ये मुल्क। किसके लिए, किसके लिए कर रहा है ये फखरी? माँ बाप की असर कमाई सोने के सिक्के नहीं होते, उसकी औलाद होती है बेटा। तेरी तेरी कमाई का वारिस, तेरे खानदान का वारिस तेरा बेटा है बेटा। मां देखो, मैंने अपनी दानिश में पूरी कोशिश की उसको समझाने की, प्यार से, मोहब्बत से, कभी सख्ती से, मगर मां मैं फील हो गया हूं, मैं हार गया। पूरे रखा मेरे हाथों से निकल गया, अब वो वापस पलट के नहीं आने वाला। देखिए प्लीज आप छोड़िए, आप क्यों दिल बुरा करती हैं? इसको तकदीर का लिखा समझ कर ना भूलने की कोशिश करो। तेरी तदबीर के निकम्मेपन का इल्जाम तकदीर को दे दू ना, ना, ना। मसला तो हो गया बड़ा सीरियस, एक गल सी गैरत दी, मैं तो कभी घरवाल पर जो मेनू कुछ दिता होया ना वो माफ कर दियो। ये जरा मुश्किल हो जाएगा, तुझे गुरु का वास्ता है, चुप कर जा बब्बर, चुप कर जा। ਲਓ ਜੀ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਦੇਖੋ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਾਮ ਪਰ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਕਰੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਬੱਬਰ ਅੰਬਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਥਾ ਤੁਮੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੇ। ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਤ ਫਸਾਇਆ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸ਼ੀਤਲ ਏਡੀ ਸ਼ਰੀਫਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ,
मेरे लिए तो सारी उम्र होंगे रहने हैं। बबर एक सन नहीं मैं थकिया है, मैं तुझे मेरे कुटरी टोल पे और माने तो आया मैं और लौट एक बात बात करनी है बात करनी है। हां तुझे इधर मेरे हाथ पर सही पर आप तुम मत बोल रहे कि तुझे कहते मेरे बात करते नहीं करने लगे। नहीं 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 और मूर्खो गल सुन मेरी ओए आ कक्का मेरी गल भी सुनया करो मूर्खो मेरी ये गल थाने फजूल लगदियां ना कम दी गल सुनाउंदा फिर थानू मैं किथे गईया पिंड दिया टालिया तांबेरिया किथे तेरे पिपला दी छां गई ओ परदेसी होयो हो ओ दिल तोड़ गयो को किथे गईया पिंड दिया टालिया तांबेरिया किथे तेरे पिपला दी छां गई ओ परदेसी होयो हो। मैं भी दरवाजा भाई फिर छड़ना मैं भी थानू सौन नहीं देना पागल जेड़ा हो और मैं हम बाहर ही रहना जी चल सॉरी 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 बस 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 कोई बात नहीं कोई बात वो चलो तैयार हो जाओ फिर जाना वो चाय मैं चाय दूसरी बना दूँ ओहो चाय पी लेंगे बाहर तुम भी क्या याद रखोगी जाना कहाँ माँ वो मैंने एक मन्नत मांगी थी बाबा जी के मजार पे दिए जलाने मन्नत कैसी मन्नत सारी टटर यही करो जाओ तैयार हो जाओ जाए जाओ शाबा अच्छा हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ हाँ दर्द हो रहा है क्या हाय गुड मॉर्निंग अब बेटा बेटा सुबह सुबह उठ के सलाम करते हैं ये गुड मॉर्निंग क्या होता है अस्सलाम वालेकुम इज इट ओके नाउ हां शाबाश व्हाट्स दिस ये असली घी का पराठा और अंडा मैं तेरे लिए बना के लाई हूं बेटा प्लीज इसको दूर करें बहुत गंदी बू आ रही है देख। और मैं ये देसी घी असली घी की चीजें नहीं खाता ये जाके डैडी को खिला दे उनको बहुत शौक है देख तो सुबह सेरी पे नहीं ना उठा था बहुत बुरी बात है अब सारे रोजे रखने तूने रोजा ओ यू मीन फास्टिंग हाँ तो आप हैं जिन्होंने डैड को सारी चीजें सिखाई तू रोजे नहीं रखता प्लीज मैं तो डैड को भी ये कहता हूँ कि ये किन चक्करों में पड़े मेरे को आई मीन वी हैव गॉट बेस्ट फूड फ्रिज भरा पड़ा है आइसक्रीम जूस एवरीथिंग पर ये क्या जरूरत है अपनी जान को तकलीफ में डालने की ये तो गरीबों के काम है उनको सूट करते हैं आपको नहीं तेरा बाप गरीब तो नहीं है तू रोजे रखता है वो सेम ओल्ड मेंटालिटी वो ये लॉजिकल बात है कुछ अपना फैसला भी होता है जिंदगी में कि नहीं जो बड़ों को देखते आए अच्छा या बुरा ये सोचे बगैर बस किए चले गए मैं तो आपको भी कहता हूँ कि ये सब चीजें छोड़ के खाया पिया करें ये क्या शक्ल बनाई हुई है आपने अपनी देख बेटा औलाद की औलाद औलाद से ज्यादा प्यारी होती है औलाद औलाद व्हाट्स दिस आई कांट गेट इट देख फखरी मेरा बेटा है मेरी औलाद है तू फखरी का बेटा है उसकी औलाद है तो तू मेरी औलाद की औलाद है इसलिए तू मुझे ज्यादा प्यारा है थैंक यू सो मच प्लीज ले जाइए अभी अच्छा चलो मैं ले जाऊँ फिर प्लीज फॉर गॉड सेक एज सून एज पॉसिबल तू क्या खाएगा मैं कुछ भी खा लूंगा आप इसको ले जाइए जाए अच्छा
अच्छा पहले पकड़ से। ज़ैन, तुमने मुझसे आज तक कोई वादा नहीं किया। कैसा वादा? कोई वादा, कोई कमिटमेंट? जिंदगी भर की कमिटमेंट इंसान को गुलाम बना देती है। क्या मतलब? क्या मोहब्बत कोई कैद होती है? मोहब्बत पर काट देती है रा। Come on, Zain, क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? अच्छा मुझे ये बता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? जाहिर। तो फिर एक वादा करने में क्या हर्ज है? अच्छा बोलो, क्या कहलवाना चाहती हूँ? हम दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये तो पहले से तय है। एक काम करो, तुम कोई नया ओथ ले लो मुझसे आज। बस आज तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैं अपना आज और आने वाला कल तुम्हारे हवाले करता हूँ। थैंक यू सो मच सैन। जैसे कभी कभी मोहब्बत का इजहार जरूरी होता है। मुझे ये बताओ कि भाई और भाभी वाले काम की कोई प्रोग्रेस हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैन, व्हाई आर यू सो इगोइस्टिक? मैं ईगोइस्टिक तो नहीं हूँ। ये बताओ कि तुम मुझे खुद से कितना करीब समझते हो? उतना ही जितना किसी का अपना दिल उसके करीब होता है। तुम्हारा उदास चेहरा देख के मैं परेशान रहती हूँ और मैं इंतजार में हूँ कि कभी तो तुम मुझसे कुछ कहो। भाई डेली कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होता। By the way, तुम क्या सुनना चाहती हो? तुम मुझे कह सकते हो कि तुम ब्रिटिश नेशनल हो, तुम टैक्स पेयर हो, तुम मेरे भाई और भाभी को स्पॉन्सर कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे अपना समझो तो ये बात कहो ना। ये बात तुम खुद भी तो कह सकती थी। जिसे मोहब्बत हो उसके दुख और उसकी परेशानियां अपने बन जाते हैं। तुम भी तो मुझे बात कह सकते थे। एनीवे तुम रिलैक्स हो जाओ, भाई और भाभी से कहो कि अपने पासपोर्ट तैयार कर ले, मैं उन्हें स्पॉन्सर कर दूंगी। थैंक यू राफी, तुमने मेरे सीने पर से एक पहाड़ हटा दिया। सिर्फ जुबानी थैंक यू से काम नहीं चलेगा। क्या मतलब? तो क्या तुम अपने घर में मुझसे बर्तन धुलवाओगी? नहीं, ट्रीट लूंगी अभी इसी वक्त। आज शाम नहीं, फिर किसी शाम को, क्योंकि ढलती हुई शाम में तुम्हारे चेहरे का उजाला बहुत अच्छा लगता है। एक बेहतरीन डिनर करेंगे, लेकिन सुनो, कार में नहीं जाएंगे, बगी में जाएंगे, दो घोड़ों वाली में। अभी चले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चले। इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने, कहाँ गायब रहे आप? गायब? क्या हो गया तुम्हें यार? मैंने तुम्हें बताया था कि पाकिस्तान से माँ और रेहान आने वाली हैं। ऑफ कोर्स, आपने बताया था और मैं भूल गया। आ गई? उनको आए हुए तकरीबन 5-6 दिन हो गए। हाँ यार, माँ तुम्हें बहुत याद कर रही। तुम ये काम क्यों नहीं करते हो? संडे को हमारे साथ गिरफ्तार करो। श्योर। अच्छा ये बताएं कि आ कैसे गई वो? आप तो बता रहे थे कि वो आने के लिए तैयार ही नहीं। तो आप कौन सी तैयार थी? इतनी खुश आमद करके, मैंने समाजत करके कहा कि माँ खुदा के वास्ते आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आपका अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा, जब आपके दिल घबरा चली जाइएगा तब जाके आइए।
डॉक्टर से मैंने उसके लिए ना अपॉइंटमेंट भी ले लिया है कल का। That's great. चलें। इसी बहाने फूफी और दादी की शारिक से भी मुलाकात हो जाए। वो उसे मिल भी ली और खुश भी हो गई। ये बताएं कि उसे खुशी हुई कि नहीं? खुशी, वो तो खुशी के माने भी भूल गया है। खैर छोड़ दो इस। मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत वक्त है। नहीं यार, वक्त भी बहुत गुजर चुका है और बहुत कुछ बिगड़ भी चुका है। एनीवे तो मैंने अभी आपसे क्या कहा है कि आप संडे को इफ्तार करने के लिए आ रहे हैं? मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो आज तो इफ्तार मेरे साथ करके जाएं, टाइम हो गया, इफ्तारी होने वाली है, बैठे आप। नहीं नहीं सब ऐसा वहाँ है, वो मेरे इंतजार कर रही होंगी इफ्तार पर, मेरे बगैर इफ्तार नहीं करेंगी, है ना? सो सी यू। श्योर तुम आ रहे इफ्तार को। दोनों को सलाम दीजिए। आए मैं छोड़ के आऊँ आप। आए